चौदहवीं कहानी जंगल च भड़कना। परमेश्वर ने इजराइलियों की ओ कानून सनाना खत्म किया जिदा उन्हें की बनी गेदी बाचा दे कारण पालन करना है। भी उन्हें सीने पहाड़ दे अगे उन्दी अगवाई कीती। ओ उन्हें की वायदे दे देश च लेये जाना चाहता हा। ये देश कनान भी आख्या जाता हा। परमेश्वर बदले दे खंभे च उन्दे अगे अगे चलिया ते ओ उन्दे पिछे पिछे चले। परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक ते याकूब कने वायदा किया हा कि ओ वायदे दा देश उन्दे खानदान की देख। लेकिन इस वेले उत्थे बड़ी सारी जाति रवा दी ही। ओ कनानी आखी जांदे हे। ओ कनानी लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते हे ते उदे हुक्मे की नहीं मनते हे। ओ झूठे देवते की भगती करते हे ते बड़े सारे बुरे कम करा करते हे। परमेश्वर ने इजराइलियों की आख्या जिसले तुस उस बाचा दे देश की जाओ ते उत्थे दे सारे कनानी कोला छुटकारा पाई लियो। उन्दे कन्ने संधि नहीं करियो ते उन्दे कन्ने ब्याह नहीं करियो। तुसें गी उन्दी सारियें मूर्तियें गी नाश करना है। अगर तुस मेरा हुक्म नहीं मनगे ते तुसें मेरे बगैर उन्दे देवतें दी भगती करने लगी आना। जिस वेले इजराइली कनान कोल पुजे मूसा ने इजराइल दे हर एक गोत्र विचा एक एक करिए 12 मर्दें गी चुनिया। उसने उनेंगी जाइए उस देश का भेद लेने की विधि दिती कि ओ देश कनेहा है। उनेंगी उस कनानिए का भेद भी लेना हा कि ओ ताकतवर है जा कमजोर ने। उन्हें 12 मर्दें ने पूरे कनान का आंदे हुए चलिए दिने की यात्रा की ते भी वह वापस आइए। उन्हें लोकें की सुनाया वो देश बड़ा के उपजाऊ है ते फसलें बड़ी ज़्यादा हैं। लेकिन दसपे दिए आख्या उन्दे लाके बड़े मजबूत है ते वो लोग बड़े लम्बे चौड़े हैं। अगर अस उन्दे उपर हमला करने हैं ते पक्का उन्हें असेंगी राई लेना है ते असें मारी देना। उसे बेले गए कालेब ते जहोशू ते बाकी पे दिए आख्या ये सच है कि कनानी लोग लम्बे ते ताकतवर हैं लेकिन पक्का अस उनेंगी राई सकने। परमेश्वर साढ़े आस्ते लड़क। लेकिन लोकें कालेब ते जहोशू दी नहीं सुनी। ओ मूसा ते हारिन उपर गुस्सा होइए ते आख्या तुस असेंगी इस डरोनी जगह पर की लिए आए। असें मिस्र च गे रोना हा। अगर उस देश च जाने ना ते अस युद्ध च मरी आना ते कनान दे लोकें साड़ी घरेआली ते बच्चें गी नौकर बनाई लेना। ओ लोक उनेंगी वापस मिस्र च लेइए जाने आस्ते एक दुए अगवे गी चुनना चाहते हे। जिसले उन्हें लोकें इयां आख्या ते परमेश्वर बड़ा गुस्सा होया हा। ओ मिलोप अल्ले तंबू च आया ते आख्या तुसे मेरे खिलाफ लड़ाई झगड़ा कीता है इस करी तुसे सारे गी इस जंगल च भटकना होग। हर एक जन जेका बियां सालां दा जां उदे कोला ज़्यादा सालें दा है उत्थे मरी जाग ते कदे भी उस देश च प्रवेश नहीं करी सकग जेका आऊं तुसें गी देना है। खाली कालेब ते जहोशू उदे च प्रवेश करगे। जिसले लोके परमेश्वर गी इयां आखदे सुनिया ते ओ दुखी होए कि उन्हें पाप कीता हा इस करी उन्हें कनान दे लाके उपर हमला करने दा फैसला कीता। मूसा ने उनेंगी नहीं जाने दी चेतावनी दिती कि परमेश्वर ने उन्दे कन्ने नहीं जाना हा। लेकिन उन्हें उन्दी नहीं सुनी। परमेश्वर इस युद्ध च उन्दे कन्ने नहीं हा इस करी कनानिए उनेंगी रवाईड़िया ते उन्दे कन्ने बड़े सारे गी मारी दिता। उस वेले इजराइली लोग कनान बिचा वापस मुड़िए। अगले 40 सालें तकर वो इत्थे उत्थे भटक गए। इजराइली लोकें थमां जंगल च भटकने दे 40 सालें दे थमां परमेश्वर ने उदी जरूरतें गी पूरा कीता। उसने उनेंगी स्वर्ग चा मन्ना आखने वाली रुट्टी दिती। उसने बटेरे दे झुंड भी उन्दे डेरे च भेजे कि उन्दे कोल खाने आस्ते मास होए। उस पूरे समां च परमेश्वर ने उन्दे कपड़े ते जूते गी फटने कोला बचाइए रख्या। इत्थे तकर कि परमेश्वर ने उन्दे पीने आस्ते चमत्कारी रूप च पत्थर विचा पानी कढ़िया। लेकिन इन्हें सारे दे बाद इजराइली लोकें परमेश्वर दे खिलाफ ते मूसा दे खिलाफ शिकायत कीती ते बुड़बड़ाए। तां भी परमेश्वर विश्वास जोगे हा। उसने जेका वायदा कीता हा कि वह अब्राहम इसहाक ते याकूब दे खानदान आस्ते करग उसने वो कीता। एक और समाज च
जिसले उन्हें लोकें कोल पानी नहीं हा, परमेश्वर ने मूसा गी आख्या चट्टान कन्ने गल कर ते उदे चा पानी निकलग। लेकिन मूसा ने चट्टान कन्ने गल नहीं कीती, बगैर इदे उसने सोटिए कन्ने चट्टान उपर दो बारी मारी। इस रीति कन्ने उसने परमेश्वर दा आदर नहीं कीता। सारे दे पीने आस्ते चट्टान विचा पानी ते निकली आया, लेकिन परमेश्वर मूसा उपर गुस्सा होइया। उसने आख्या कि तू इयां कीता है, इस करी तू वायदे दे देश च प्रवेश नहीं करी सकग। जिसले इजराइली लोग 40 सालें तक जंगल च भटके हे, उस वेले जिन्हें परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई झगड़ा किया हा वो सारे मरीए हे। उस वेले परमेश्वर उन्हें लोगों की वायदे के देश च लेइए। उन मूसा बड़ा बुढ़ा होइदा हा, इस करी परमेश्वर ने लोगों की अगुवाई करने च उनकी मदद करने आस्ते यहोशू गी चुनिया। परमेश्वर ने मूसा कन्ने ये वायदा भी किया हा कि एक दिन वो उन्हें लोगों के कोल मूसा आले लेखे एक भविक्का भेज। उसले परमेश्वर ने मूसा की एक पहाड़ की ऊंचाई उपर जाने आस्ते आख्या कि वह वायदे दे देश की दिखी सके। मूसा ने उस वायदे दे देश की दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने उसी उदे विच जाने की इजाजत नहीं दिती। उसले मूसा मरी गया ते इजराइलियें 3 दिन तक रोना पिटना किया। यहोशू उनका नवा अगुवा बनी गया। यहोशू एक सही अगुवा हा कि उसने परमेश्वर उपर भरोसा किया ते उदी गल्लें गी मन्या।